परमात्मा की विशेष अनुकंपा है आपके ऊपर कि आपको दीक्षा गुरु मंत्र आपको प्राप्त होने जा रहा है। आप लोग परमात्मा का चिंतन करते हुए श्री राम नाम संकीर्तन करेंगे, श्री बांके बिहारी का स्मरण करेंगे, माता जगत जननी का स्मरण करेंगे, अपने पूर्वजों को धन्यवाद देंगे कि जिनके घर में आप लोग जन्मे और जिन पूर्वजों के आशीर्वाद से आप लोग यहां तक आए और आप गुरु मुख से होने जा रहे हैं। जन्मों जन्मांतर के जब भाग उदय होते हैं तब कोई किसी तीर्थ में जाकर के किसी सदगुरु का शरण प्राप्त होता है। आप लोगों ने श्री हनुमान जी पंडोगर सरकार की शरण ली है, उनके चौखट पे आकर के आपने अपने आप को समर्पण किया है और हनुमान जी की कृपा से मैंने आप सबको स्वीकार किया है। और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि ऐसा कोई कर्म या कार्य ऐसा कृत मत करना जिससे आपके जीवन में आपका किया हुआ जो भी कृत है अच्छा या बुरा, यदि अच्छा करेंगे तो मेरा नाम होगा, धाम का नाम होगा, यदि गलत करोगे तो मेरा नाम भी खराब होगा और धाम का भी नाम खराब होगा। किसके शिष्य हैं? यदि पंडोकर सगा के शिष्य हैं तो लोग हंसेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से मैं कोई ऐसी चीज नहीं कभी नहीं छोड़वाता, कभी मैं ऐसा संकल्प नहीं लेता जो आप ना दे पाए। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही संकल्प मांगता हूं कि आपके अंदर जो भी बुराइयां हों वो पंडोकर सगा की चौखट पर छोड़ दें। ये सबसे बड़ा आपका संकल्प है और ये सबसे बड़ा दक्षिणा है। तो जिन भक्तों के नाम पुकारना प्रारंभ होंगे, पंडोकर सरकार परिवार में जो भक्त लोग जुड़ रहे हैं, काफी भक्त लोग बोलते हैं गुरुजी आप मुझे दीक्षा चाहिए लेकिन क्या बताएं, मेरा मन नहीं करता कि मैं हमेशा दीक्षा दूं। क्यों नहीं करता? क्योंकि दीक्षा देना बहुत सरल है। अभी भैया दिलीप जी आपको एक भजन में सुना रहे थे कि दीक्षा देना बहुत सरल है, दीक्षा लेना भी बहुत सरल है। एक दूसरे की सहायता ना कर पाए, एक दूसरे की मदद ना कर पाए, आपकी बिगड़ी हुई ना बना पाए, आपको गलत रास्ते पर ना सुधार पाए तो गुरु किस काम का? और शिष्य वो किस काम का जो गुरु की बात ना माने? गुरु के बताए अनुसार ही कर्म करना है तो जीवन में सब प्रकार के सुख, सब प्रकार की सफलता और लोक और परलोक दोनों आपके बन जाएंगे। आशीर्वाद है। जब तक आपका नाम पुकारना प्रारंभ हो रहा है तब तक आप लोग राम नाम संकीर्तन करें, श्री बांके बिहारी का स्मरण करें, माता जगत जननी का स्मरण करें, माता गायत्री का स्मरण करें, श्री पंडोकर धाम पीठ का स्मरण करें। आपको दीक्षा का जो पल आ रहा है उस पल में आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के पंतत्व के भूत के शरीर जो है ये मानव जाति जो गुरु मंत्र का बीज मंत्र का ग्रहण कर सकता है, जप कर सकता है, उस जाति के लिए, उस समाज के लिए, उस वर्ण के लिए, उस नारी नर और नारी के लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पा ब्रह्म तस्मय से गुरुवे नमः। ये पंतत के जो शरीर है, ये पंतत के शरीर और शिष्य के लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पा ब्रह्म तस्मय से गुरुवे नमः, ये आपके जो दीक्षा लेने वाले शिष्य हैं उनके लिए तीनों के समान गुरु है।